दोस्तों, मेरे इस YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, दीपावली पर धन प्राप्ति का सबसे चमत्कारी उपाय, दीपावली की रात पीली हल्दी से चमकाएं किस्मत। दोस्तों, दीपावली की रात तीन हल्दी से चमकाएं किस्मत। दोस्तों, दीपावली पर धन प्राप्ति का सबसे चमत्कारी उपाय, दीपावली की रात अमावस्या की काली रात होती है और प्राचीन मान्यता है कि इस दिन माता लक्ष्मी जी स्वयं धरती पर भ्रमण करती है और इसीलिए इस दिन यानी दीपावली के दिन माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए हर घर में महालक्ष्मी जी का पूजन जरूर किया जाता है। माता लक्ष्मी जी को घर में आमंत्रित करने के लिए कई दिन पहले ही तैयारियां शुरू हो जाती है, घर को पूरी तरह से साफ किया जाता है। दोस्तों, यह छोटी छोटी जानकारियां आपको पता होनी चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए पूरी वीडियो देखिए, वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है पर इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपको और कहीं नहीं मिलेगी। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए हम बहुत मेहनत करते हैं। यह वीडियो बनाने में दोस्तों सिर्फ आपके लिए हम लोग बहुत मेहनत करते हैं, तो इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, तो दीपावली को जीवन में धन और समृद्धि पाने और देवी लक्ष्मी को खुश करने का सबसे अच्छा दिन माना गया है। तंत्र शास्त्र के अनुसार दीपावली के दिन कई तांत्रिक उपाय या टोटके किए जाते हैं और कहते हैं कि इस दिन यदि किसी उपाय को ठीक तरीके से कर लिया जाए तो कोई भी उपाय या टोटका खाली नहीं जाता है। इस दिन किए जाने वाले टोटके और उपाय कम या ज्यादा पर निश्चित रूप से फल देते हैं। दोस्तों, तो कार्तिक का महीना शुरू हो चुका है, दीपावली में बस कुछ ही दिन बचे हैं, तो आज इस लेख में हम आपको एक ऐसा चमत्कारी तांत्रिक उपाय बताने जा रहे जिसे करने के लिए आपका कुछ भी नहीं लगने वाला है और ना ही इस उपाय को करने के लिए आपको कहीं जाना है, क्योंकि यह उपाय आपको आपके अपने घर में लक्ष्मी जी की पूजा के समय ही करना है और इस उपाय में आपका कुछ लगता भी नहीं है। बस जरूरत है आपको पूरे मन से पूरी आस्था के साथ आप इस उपाय को करें। और हाँ, यह बात याद रखें, यह एक छोटा सा उपाय आपकी जिंदगी बदल सकता है। तो आइए शुरू करते हैं दीपावली पर धन प्राप्ति का सबसे चमत्कारी उपाय। दोस्तों, दीपावली के रात में आप किसी भी शुभ लग्न या शुभ काल में पूजा करें और पूजा के साथ ही आपको यह उपाय करना है। यह उपाय केवल दीपावली के दिन ही किया जा सकता है, तो यह उपाय पीली साबुत हल्दी से जुड़ा हुआ एक बड़ा ही आसान उपाय है। यह उपाय आजमाया हुआ उपाय है और लगभग 85% लोगों ने यह स्वीकार किया है कि इस उपाय को करने के बाद उनकी आर्थिक स्थिति में अप्रत्याशित रूप से सुधार आया है और उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है। दोस्तों, तो यह बड़ा ही आसान और बड़ा ही चमत्कारी उपाय है, तो इस उपाय के लिए आपको 5 पूरी तरह से साबुत पीली हल्दी चाहिए। इस बात को ठीक से देख लीजिए कि हल्दी पूरी तरह से साबुत हो, कहीं से भी टूटी हुई नहीं हो या फिर खंडित नहीं हो, तो इस उपाय के लिए आपको कुल 5 साबुत हल्दी लेनी है। दोस्तों, जब आप किसी भी शुभ मुहूर्त में लक्ष्मी जी का पूजा करें, पूजन शुरू करने से पहले महालक्ष्मी जी के समक्ष यह 5 हल्दी आपको एक सीधी लाइन में जमा कर पूजा में लक्ष्मी जी के चरणों में आपको रख देनी है। 5 हल्दी को एक लाइन में सीधी जमा देनी है, 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से सीधी लाइन लक्ष्मी जी के चरणों में रख देनी है और फिर महालक्ष्मी जी का पूजन करना है। जब पूजा आरती पूर्ण हो जाती है, पूजा पूरी हो जाती है दोस्तों, तब आपको एक काम करना है। सबसे पहले हल्दी पर अपनी तर्जनी अंगुली रखनी है, तो शुरुआत आपको पहली हल्दी से करनी है, यानी कि पहली हल्दी को तर्जनी अंगुली से छूना है और फिर 5 बार यह मंत्र बोलना है, दीपावली पर धन प्राप्ति का चमत्कारी मंत्र। गज लक्ष्मी महालक्ष्मी जी हल्दी पर विराजमान हो, गजलक्ष्मी महालक्ष्मी जी हल्दी पर विराजमान हो,
फिर अंगुली दूसरी हल्दी पर रखकर यही मंत्र गज लक्ष्मी महालक्ष्मी जी हल्दी पर विराजमान हो, गजलक्ष्मी महालक्ष्मी जी हल्दी पर विराजमान हो का जाप करना है। फिर तीसरी चौथी और पांचवी पांचों हल्दी को इस तरह से आपको यह मंत्र बोलकर अभिमंत्रित कर लेना है। दोस्तों, अब हल्दी को अभिमंत्रित करने के बाद उसे वही पूजा स्थल पर आपको रात भर रात्रि में वही छोड़ देना है, उठाना नहीं है। और हाँ, वहीं पर एक बड़ा दीपक आपको पूरी रात के लिए जला कर रख देना है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि दीपक सुबह तक सूर्य उदय तक बुझना नहीं चाहिए। सुबह जब आप उठे तो नहा धोकर सबसे पहले आपको यह पांचों हल्दी उठा लेनी है। हल्दी उठाने से पहले माता लक्ष्मी जी को प्रणाम करें, हल्दी को प्रणाम करें और आपके घर में स्थायी निवास के लिए प्रार्थना करते हुए पहली हल्दी को आप अपने तिजोरी या फिर घर में जो अलमारी है वहाँ पर, आप जहाँ पर आप पैसा रखते हैं वहाँ पर आपको इसे घर पर रख देना है। दूसरी हल्दी को आपको अपने व्यापार स्थल पर जहाँ आप पैसा रखते हैं, जहाँ व्यापार में आपकी तिजोरी है, गल्ला है, वहाँ पर आप उसे रख दे। तीसरी हल्दी को आपको अपनी किचन में, अपनी रसोई घर में आपको रख देना है। इससे आपके घर में रसोई में कभी कमी नहीं रहती है। चौथी हल्दी आपको पूजा स्थल पर रखनी है जहाँ रोजाना उसकी पूजा करनी है। पांचवी हल्दी को आप अपने पर्स में रख लीजिए। यदि आप अपनी पीछे वाली जेब में रखते हैं तो फिर हल्दी आपको पर्स में नहीं रखनी है। महिलाएं अपने हैंड बैग में रख सकती है, तो यदि आप पर्स पीछे वाली जेब में रखते हैं तो फिर आप इसे अपने घर की अलमारियां या धन स्थान पर ही रख दें। दोस्तों, अब इस उपाय में आपका कुछ भी नहीं लगता है, बस केवल श्रद्धा विश्वास और आस्था की बात है। इस उपाय से आपको यह चमत्कार देखने को मिलेगा कि जब भी आपकी जेब खाली होगी तो अगले ही दिन से भरने लगेगी। तो बड़ा ही चमत्कारी और आसान सा उपाय है। आशा है आपको यह उपाय अच्छा लगा होगा। दोस्तों, दिवाली एक ऐसा पर्व है जिसका न सिर्फ धार्मिक बल्कि ज्योतिषीय महत्व भी है। पौराणिक कथा के अनुसार श्री राम और माता सीता के वनवास से लौटने की खुशी में दिवाली मनाई जाती है। वहीं ज्योतिष में दिवाली की रात को विशेष स्थान दिया गया है। दिवाली की रात को सर्व सिद्धि रात भी कहते हैं। इस साल दिवाली का पर्व 10 नवंबर को धनतेरस के साथ शुरू होकर 15 नवंबर को भाई दूज पर संपन्न होगा। दोस्तों, दिवाली के दिन अगर कुछ ज्योतिष उपाय किए जाएं तो वह जरूर फलित होते हैं और लाभ भी पहुंचाते हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।